ऋषभ पंत की चोट पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट दिया है। बेंगलुरु टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऋषभ पंत को घुटने में चोट लगी थी। चोट लगने के कुछ देर बाद उनका घुटना सूज गया था, ऐसे में वे मैदान से बाहर चले गए थे। आखिरी सत्र में ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की और अब तीसरे दिन के खेल से पहले बीसीसीआई ने बताया कि ऋषभ पंत तीसरे दिन विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। ध्रुव जुरेल न्यूजीलैंड की पहली पारी में तीसरे दिन विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीसीसीआई ने एक्स पोस्ट पर पंत को लेकर बताया कि ऋषभ पंत तीसरे दिन विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है। रविंद्र जडेजा की गेंद पंत के उसी पैर पे लगी थी जिसका ऑपरेशन उन्होंने कराया था। कार एक्सीडेंट में उनका वही पैर चोटिल हुआ था और अब उस पैर में चोट लगना टीम इंडिया की टेंशन और बढ़ा दिया है, क्योंकि आने वाले समय में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पे 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है। इस सीरीज के लिए ऋषभ पंत अहम खिलाड़ी है। वहीं पिछली बार सीरीज जीत में सबसे बड़े हीरो थे। आपको बता दें, ऋषभ पंत को दिसंबर 2022 के आखिरी में चोट लगी थी। वे 2023 में एक भी प्रोफेशनल मैच नहीं खेल पाए थे। वे सीधे आईपीएल 2024 में नजर आए। इसके बाद से लगातार प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल 2024 के बाद वे टी20 वर्ल्ड कप खेले थे और फिर श्रीलंका के दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज खेले थे। दिल्ली प्रीमियर लीग का भी वे एक मैच खेले थे और फिर दलीप ट्रॉफी खेलने के लिए चले गए। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।